الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العشران وقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 بلغ اللولى بكماله كشف الدجى بجماله أسند جميع خصاله صلوا عليه وآله وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو تمام سالکین و مریدین و خلفاء جو آج کی اس محفل میں حاضر ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے جو بھی سالکین و خلفاء اور معتقد حضرات ناچیز کی آواز کو سن رہے ہیں سبھی کی خدمت میں مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا اللہ کریم آپ سب کو ہم سب کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے اور تمام سالکین مرید و خلفاء کی عزیز و اقربا کی متوسلین
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क और प्यार रखने वाले मोमिनीन कामिलीन और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले उनके मुतवस्सलीन, अल्लाह सब की मग़फ़रत फरमाए, उनकी ज़िंदगी की नेकियाँ कबूल व मकबूल फरमाए और उनकी ज़िंदगी की ख़ताएँ सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। दोस्तों भाइयों, आज की इस माना महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान जुमातुस्सालिकीन का हेड ऑफिस है लंदन में, वहां से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी और जगह पे होता हूं फिर वहां का नाम लेता हूं कि वहां से बयान किया जा रहा है। आज की तारीख 29 सितंबर गालबन बनती है और 2019, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज तमाम सालकीन खुलफा को महाना महफिल के लिए जोर से भी कहता है और ताकीद करता है कि जरूर उसमें हाजिर हों, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सारा महीना बंदा अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, फिर ही एक इंसान होने और बंदा होने का हक हासिल है कि वो बंदा कहलवाए, इंसान कहलवाए। बयान जो आयत करीम आपके सामने तलावत की है, इंशाल्लाह उसका तर्जमा तशरीफ फिर आगे करने से कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तहाश पेश करने के मतलब तीन हादिस मुबारका पेश करके फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये नाचीज की आवाज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक जा रही है, तो हदीस पढ़ी जाएगी, सभी सुनेंगे और रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में सुनने वाले भी उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। ये अरबी मतन के साथ है। عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رسول اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا जिसने दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक ज्यादा पढ़ा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिह। दुरूद पाक ज्यादा पढ़ा होगा। दूसरी हदीस पाक में फरमाया इन्ना अक्रबकुम मिन्नी यौम अल कियामति फी कुल्ली मौतिन अक्सरकुम अलैया सलातन फिद दुनिया। सआदतुद्दारैन सफा नंबर 60 के ऊपर ये हदीस पाक नकल की गई है। क्यामत के दिन हर मुकाम और हर जगह में मेरे ज्यादा नजदीक तुम में से वो होगा जिसने तुम में से दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक ज्यादा पढ़ा होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक हदीस पाक में क्या फरमाया अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम انه قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا وكتب له عشر حسنات। رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی جل شان ہو اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 10 نیکیاں یاد رکھیں۔ अब इसका जो जिक्र किया गया है इसका मतलब है कि एक नेकी कोई मामूली चीज नहीं है। जैसा कि दुरूद पाक के मुतल्लिक आपने बहुत सारी हदीसें मुबारका सुनी है, एक हदीस पाक में और भी फरमाया कि 10 दराजात बुलंद होते हैं, 10 गुना माफ होते हैं,
और इसी तरह 10 रहमतें उतरती हैं, तो ये नेकी कोई मामूली चीज नहीं है। याद रखें, एक है नेकी, एक है गुना। और रोजे महशर को जब हमारे नामे अमाल में देखा जाएगा तो या नेकी देखी जाएगी या गुना देखा जाएगा, और नेकिए और गुना ही रोजे महशर को तुलने हैं। अगर दुनिया में बंदा अपने रब को राजी कर लेगा तो अल्लाह ताला जल्ला शानु बगैर हिसाब के भी उसे जन्नत में दाखिल फरमा सकता है, उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कानून जाब्ता हमें दिया गया है उसमें ये नहीं है कि हम किसी नेकी को नेकी ना समझें और किसी गुनाह को गुनाह ना समझें। इंसान होने के नास्ते पे बशरी तकाजों के साथ जब बंदा इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो अपनी मनमानी, जिसे कहा जाता है, हकीकत में वो अपनी मनमानी नहीं होती, उसके पीछे जो शैतान लाइन बंदे के अंदर वसवसे पैदा करता है उसका अमल दखल होता है। और यही दो चीजें हैं, इंसान के अंदर एक नफ्स है, एक जमीर है, या तो नेकी है या बदी है, या वो काम है जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाएगा या वो काम है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। तो इसी तरह या वो काम है कि जिससे दराजात बुलंद होंगे या वो काम है कि जिससे दराजात बंदे के खत्म होंगे और नजूली की तरफ जाएगा। तो इसलिए फरमाया गया कि अगर इंसान कामिल मोमिन है तो वो फरिश्तों से भी अफजल है, और अगर वो कामिल मोमिन नहीं है तो फिर सुमरदना हुआ स्वा साफिलीन, फिर हमने उसे लौटा दिया नीचे की तरफ, बहुत ही नीचे की तरफ, तो फिर वो जानवरों से भी बदतर हो गया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है? कि हम कामिल मोमिन बन सकें और अल्लाह करीम की बारगाह में सुरखरू हो सकें, दराजात बुलंद हो जाएं। जैसा कि आज दुनिया के पीछे लोग भाग रहे हैं, हम काफरों के मतलब तो कुछ नहीं कहते, अपने मुसलमान भाई हमारे जो हैं वो नहीं ख्याल करते। कितने सारे ऐसे मामलात हैं, अभी कल की बात है, कल ही की बात है कि नचीज ने कुछ पोस्ट करनी थी, पोस्ट करना था एक लेटर, जरूरी लेटर था। हफ्ते का दिन सुबह घर से निकला हूँ, तकरीबन 9:15 बजे बस स्टॉप पे गया हूँ, तो वहां पे दो बच्चे और अपनी माँ के साथ। अब वो कहाँ जा रहे हैं? कहीं यकीनन ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं जी, कहीं इस तरह करके। वो भी खड़े रहे, नचीज भी खड़ा रहा, बस आई हम बैठ के चले गए। अब वो अपनी तरफ चले गए नचीज, अब वापस आया तो फिर मैं अपने घर में आ गया। शाम पड़ी तो मगरब के करीब असर के बाद जब मुझे एक और महफिल में जाना था, ये हैरो मॉस्क है, नई बनी है, बहुत बड़ी मॉस्क है, वहां पर महफिल थी हैरो मॉस्क लंदन में, तो वहां जाना था। तो वही बच्चे और माँ, फिर वो जनाब उसी बस स्टॉप के ऊपर। अब वो फिर उसी ने बस्ता लटकाया हुआ है और जनाब वो माँ के साथ। तो मैं अगर उसे पूछा, मैंने उसे कहा कि वंस अगेन यू आर कमिंग, वंस अगेन मॉर्निंग टाइम दे वर गोइंग फॉर लेसन एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर लेसन, दिस इज टू मच। बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, इतनी मुसीबत कौन सी पड़ गई है कि वो मंडे टू फ्राइडे स्कूल तो जाते हैं, 3:30-4 बजे 4:30 बजे घर वापस आते हैं, तो कईयों ने फिर आगे बच्चों की फिर ट्यूशन रखी होती हैं, फिर वो जनाब मैथ की, इंग्लिश की या और कोई ट्यूशन है, उधर चला गया। अब हफ्ते त्योहार तो बच्चों की जान छोड़ दो। अब वो मुझे तो मुसलमान औरत नहीं लगती थी, ना वो बच्चे मुसलमान लगते थे, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि अपने मुसलमानों का भी यही हाल हुआ है कि दीन का कोई फिक्र नहीं है, दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया के पीछे भागने के लिए, दुनियादारी के लिए वो जनाब इतना यानी संजीदा और सीरियस हैं कि वो जनाब बच्चों को इसी तरह छुट्टी के दिन भी जान नहीं छूटती और बहुत ज्यादा बोझ लोड। मैं आखिर मैंने उसे कहा, और औरत से मैंने कहा, दिस इज टू मच लोड,
ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोझ है। कहने लगी नहीं 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 नो 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 मॉर्निंग टाइम दे वर गोइंग फॉर प्लेइंग एंड नो और दिस। अब प्लेइंग में भी जना वो खेलने के लिए किसी ने स्विमिंग जाना है, किसी ने फुटबॉल जाना है, किसी ने बास्केटबॉल जाना है, कोई बच्चे यहाँ पे कराटे की क्लासें जाते हैं। तो दुनिया के मामले इतना संजीदा हो गया इंसान कि आखरत का कुछ ज़रा फिक्र नहीं उसे। और ये गैर मुसलमों की बात तो अपनी जगह पे है, उनके मतलब तो अल्लाह ताला जल्ला शानू ने कुरान ज़िमुशान में वाज़ह तौर पर फरमा ही दिया कि ये कुफार की ऐशोशरत की जिंदगी से तुम फिक्र में ना पड़ जाना कि ये जिंदगी इनकी जो है वो आरजी है, कलील है और आखरत हमेशा रहने वाली। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, कहने का मकसद, बयान करने का मकसद ये है कि अभी हमारे मुसलमानों का यही हाल हो गया है। कोई कारोबार करता है तो सुबह से लेकर शाम तक इतना उसमें गुम हो गया है कि बस उसी में गुम हो गया। कोई और जरिया माश किसी ने इख्तियार किया है तो उसी में गुम हो गया। और फिर शैतान लाइन जो वसवसे पैदा करता है वही नफ्स और ज़मीर की जंग। शैतान नफ्स को वसावस के जरिए ख़राब करता है, और अगर ज़मीर इंसान का मुर्दा हो जाए, वो रूहानियत ना हो इंसान के अंदर, रूहानी दर्जात ना हो, तो उसका नफ्स उसके ऊपर गालिब आ जाता है, उसकी ख्वाहिशात उसके ऊपर गालिब आ जाती हैं। और ये जो ज़रा गौर करें कि जिस तरह जुमातुल मुबारक के बयान में भी ना चीज़ ही बयान कर रहा था कि भी यजीद यजीद क्यों बना, ये एक जालिम जाबिर जो बनता है वो क्यों बनता है, फिरौन फिरौन क्यों बना, नमरूद नमरूद क्यों बना, शद्दाद और इसी तरह मुनाफिकीन में से उतबा शैबा अब्दुल्ला बिन उबई ये सारे मुनाफिक क्यों बने। इन्होंने अपने उस नफ्स के पीछे चल के ज़िंदगी गुजारी। जब नफ्स के पीछे चल के ज़िंदगी गुजारी है, उसी के ताबे हो गए, तो उसी नफ्स मलून ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब वो जहन्नम की आग में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सोचना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नफ्स की कितनी पैरवी कर रहा हूँ और अपने रब की कितनी बात मान रहा हूँ, ये हमने देखना है। और आज की जो आयत करीमा आपके सामने तलावत की है, कुरान की कोई आयत भी हो, कोई मौजू भी हो, वो बंदे के लिए वसीयत और नसीहत है, बंदे के लिए मशाले राह है। अमेरिका में वो डॉक्टर रफीक साहब थे, गालबन डॉक्टर चौधरी रफीक साहब थे, न्यू जर्सी में 530 मंटगोमरी स्ट्रीट और इस्लामिक फाउंडेशन जैसे इस्लामिक एसोसिएशन थी, मुस्लिम इस्लामिक फेडरेशन इस तरह का, उसके वो चेयरमैन थे वहाँ पे। वो मुझसे ये पूछने लगे कि ये इल्मु सकलैन क्या चीज़ है। इल्मु सकलैन, अब इल्मु सकलैन तो उन्होंने पूछ लिया, तो गौर तो करें तो बहुत सारे अलूम हैं, बहुत सारे अलूम हैं। जिस तरह आप इलम में देखते हैं कि दुनियावी लिहाज से उर्दू भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, आईटी भी है और जनरल साइंस भी है, और इसी तरह ये अलजबरा भी एक इलम है, ज्योमेट्री एक इलम है। उसी लिहाज से आगे चलते जाएं तो जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये इलम में आ जाता है, और अकाउंटेंसी एक इलम आ जाता है। फिर बहुत सारे कोर्सेज निकले हुए हैं आजकल, अकाउंटेंट जो है वो 5 पार्ट्स अकाउंटिंग करते हैं जी, अकाउंटेंट बनेंगे पैसे पैसे आएंगे। डॉक्टर हजरात के साथ चले जाएं तो कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लंग स्पेशलिस्ट हैं, बोन स्पेशलिस्ट हैं जी, यानी कितने सारे अलूम आ जाते हैं। वो कहने लगे इल्म सकलैन क्या चीज़ है। तो जिस तरह हम कहते हैं गौस सकलैन, दोनों जहानों में मदद करने वाले, तो इल्म सकलैन क्या है, दोनों जहानों का इलम, दोनों जहानों का इलम क्या है, इल्म सकलैन।
तो दोनों जहानों का इल्म क्या है? अल्लाह करीम ने कुरान अज़ीम-उश्शान में दोनों जहानों का इल्म नाज़िल फरमाया है। इल्म वही है जो कि कुरान अज़ीम-उश्शान का है, या अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की जुबान से जो अदा हो गया, याद रखें उसी इल्म की गारंटी है। बाकी अगर दुनियावी लोगों की तरफ जाए तो वो तो आज लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। किस नीयत से पैसे खर्च कर रहे हैं? We will expend money for our children. They will get knowledge. They will complete education. After that, when they will receive a degree from university, and they can find a good job, well job, and that when they will receive a money salary, then our expended money will be automatically complete. क्या वो इस नीयत से बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं कि ये जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़ी डिग्री हासिल करेगा यूनिवर्सिटी से, बड़ी तालीम हासिल करेगा, आखिरकार जब इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो यही पैसे फिर हमें वापस आ जाएंगे। ये एक ज़हन है ना कि बंदा पैसे खर्च करे इनकी तालीम के ऊपर, दुनियावी तालीम के लिहाज से, और इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, डिग्री भी उसने कंप्लीट कर ली, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला सभी जवानों की जवानियों को सलामत रखे, माँ बाप का साया उनके सर के ऊपर सलामत रखे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। तो कई जवान भी तो ऐसे हैं जो अपनी जवानी में चले गए दुनिया से, चले गए ना। मेरा खुद भाई, छोटा भाई था, 20 साल उम्र थी, अल्लाह को प्यारा हो गया। कई ऐसे हादसे, मामलात, एक्सीडेंट सामने नजर आ रहे हैं, तो नेकी फिर उसके साथ क्या हुई? अपनी औलाद के साथ फिर नेकी क्या हुई? नेकी तो ये है कि जो चीज अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है उसके ऊपर दूसरी तालीम से ज्यादा तवज्जो दी जाए, ताकि वो बामल जिंदगी गुजार के जब इस दुनिया से जाएं तो उनकी मौत आसानी से आए, कब्र रोशन हो, रोजे महशर को वो सुरखरू हों। और माँ बाप ने जो अपनी औलाद के साथ नेकी की है, वो ये नेकी की कि उनको दीन की तालीम दिलवाई। ठीक है, जिस तरह फरमाया गया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ठीक है, और इस तरह खैर नास मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्त वो दोस्त है जो दीन के मामले में अपने दोस्त की मदद करे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चा ठीक है स्कूल कॉलेज जा रहा है, ठीक है जाता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन दीनी तालीम को छोड़कर उसकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालीम के पीछे पड़ जाना, उधारे पैसे ले लेके फीसें अदा करना, ये उसकी जात के साथ जुल्म है। क्योंकि जो उसको चीज देनी चाहिए थी, जो अल्लाह ने उसको इल्म सकलैन अता फरमाया, दोनों जहानों का इल्म कुरान अज़ीम-उश्शान में अता फरमाया, उसको वो पढ़ता, उस पर वो अमल करता, उसका ज़मीर जिंदा होता, उसका नफ्स मुर्दा होता, वो अतायत इलाही में जिंदगी गुजारता, ख्वाहिशात से दूर भागता, तो ये उसके साथ बहुत बड़ी नेकी थी। और ये औलाद के साथ बहुत बड़ी नेकी है जो अपनी औलाद को दीन की तरफ लगाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसकी भलाई चाहता है उसको दीन का इल्म अता फरमाता है, उसको दीन के लिए चुन लेता है। ये छोटी बात नहीं है। माशाल्लाह, आप अपने दूर दराज जगहों से घरों को छोड़ के महफिल में आए और ये बयान सुन रहे हैं आप, अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे हैं, अपने मुर्शिद की बात सुन रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मैं पहले भी आपको हदीस बयान कर चुका हूँ कि जब आप घर से चले तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने आपके कदमों के नीचे पर बिछाए। ये मेरा ख्याल है छोटी इज्जत नहीं है। आप किसी के यहाँ मेहमान चले जाएँ, वो आपको सोफे में बैठाए, चाय पिलाए, खाना खिलाए, ये एक इज्जत है।
लेकिन अल्लाह करीम के नूरी फरिश्ते आपके कदमों के नीचे पर बिछाएं, ये बहुत बड़ी इज्जत है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इज्जत। तो अल्लाह ताला जल्ला शानू का तो ये कानून है कि तुम मेरी तरफ एक बालिश आओ, मैं तुम्हारी तरफ एक बाजू आऊंगा, तुम मेरी तरफ चल के आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊंगा जी। तुम लोगों की नशिस्त में मेरा जिक्र करो, मैं तुमसे अफजल यानी फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये छोटी इज्जत नहीं है, बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन इसको समझना, अपने जेहन में बैठाना, अपनी जात के ऊपर वारद करना, अपने जिस्म के ऊपर वारद करना, अपनी जिंदगी का ये मकसद हयात बनाना, ये असल चीज है और असल जिंदगी है। दोस्तों भाइयों, आज जो आयत करीमा आपके सामने तलावत की है, मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, क्या है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक सल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। और क्या है कि वो नबुवत को खत्म करने वाले हैं। मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, और क्या है कि वो अल्लाह के रसूल है, वह खातमुन नबियीन, और नबुवत का जो दरवाज़ा है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। खातम मोहर को भी कहते हैं, नबुवत के ऊपर ये मोहर है। आपकी तशरीफ आवरी, ये नबुवत के जो दरवाज़ा खोला था अल्लाह करीम ने, उसके ऊपर मोहर लग गई, दरवाज़ा बंद करके उसके ऊपर मोहर लग गई, उसके ऊपर सील लगा दी गई, खातम मोहर लगा दी गई कि अब ये दरवाज़ा जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो ये रब ताला जल्ला शानों का अपना फैसला है, उसने ये कानून पास कर दिया कि मेरा महबूब दुनिया के ऊपर तशरीफ फरमा हो गया, 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से ये खबर तमाम लोगों तक पहुंच गई कि अब जो है, अब ये आखिरी नबी मेरा नबी तशरीफ फरमा हो गया है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। किसका फैसला? अल्लाह ताला जल्ला शानहू का फैसला। खातिम मोहर लग गई कि मेरे महबूब के बाद अब किसी की ये ना जरूरत है कोई ऐलान कर सके, ना कोई आएगा। अब कौन कह रहा है? जिसने 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है, वो मालिक, वो रब कह रहा है कि अब नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। और अब दुनिया के ऊपर एक हिरसो हवा का शिकार, एक लालची, एक दुनियादार, एक दुनियादार, वो कितना बड़ा दुनियादार, यानी अब हम लोग तो मुआशरे में कहते हैं जी दुनियादार दुनियादार दुनियादार, तो पता है इसके अंदर क्या फरमाया गया? आम बंदा खुद फख्र से कहता जी हम दुनियादार हैं जी, क्या करें जी हम दुनियादार। हालांकि अल्लाह ताला जल्ला शानहू के महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, अद दुनिया जीफतन तालिबुहा कलाब, दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बंदा जो दुनिया में बसर कर रहा है जिंदगी, तो वो फख्र से कहता है जी हम दुनियादार हैं जी, हम क्या करें जी, हम तो नमाज ही पढ़ लें तो बड़ी बात है। अल्लाह तो, अल्लाह के बंदे, दुनियादार तो खुद बना है, अल्लाह ताला ने तुझे दुनियादार नहीं बनाया, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने तुझे दुनिया के ऊपर भेजा है अपने कुरान पर अमल करने के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए तुझे दुनिया में भेजा है, दुनियादार बनने के लिए नहीं भेजा। अब तू अगर दुनियादार बन गया है, तू अगर काफिर बन गया है, तू अगर मुशरिक बन गया है, तू अगर माजल्ला दुनिया के ऊपर ये झूठे नबियों के दावे किए, कितनों ने, कितने झूठे लोगों ने दावे किए हैं, ये कितने बड़े दुनिया के पुजारी होंगे जिन्होंने ये किया। और वो जो नमाज नहीं पढ़ता, दीन से दूर है, वो तो दुनियादार है ही, और जो माजल्ला नबूवत का ही दावा कर बैठे, वो कितना बड़ा दुनियादार होगा जी, कितना खबीस मलून होगा है जी। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी के बाद कोई नबी नहीं है, आप आखिरी नबी हैं। और कितने जनाब मुसलमा कजाब और इस तरह ये जो अभी मर्जियों ने इतने सारे जनाब, कई और भी आएंगे क्यामत तक, कई और भी दावे करेंगे, तो खैर अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, लेकिन हुसैन एक ही हुसैन था, मैदान-ए-करबला में जो हो चुका और जो भी उसके बाद अब बनेगा,
वो यजीद मलून बन सकता है, जालिम जाबिर हाकिम बन सकता है, झूठा नबूत का दावा करने वाला बन सकता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बन सकता, वो हुसैन नहीं बन सकता। अजीम हस्तियां थी। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लम अलैहि वसल्लम। तो आज के हमारे इस बयान में एक इस बात की भी वजाहत है कि जब अल्लाह करीम ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, और ये क्या था, ये भी आयत का जो नजूल था, शान नजूल था कि जैद बिन हारिस जो के मुंह बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, यानी मुंह बोले थे, सगे बेटे नहीं थे, मुंह बोले थे, तो उनका अपनी बीवी के साथ कुछ मामला हो गया, क्योंकि उनका निकाह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से हुआ, ज़ैनब बिन्त जहश से उनका निकाह हुआ, और उनका आपस में कुछ मियाँ बीवी में नाराज़गी पैदा हो गई है जिस तरह, तो कुफार ने ये बातें बनाना शुरू कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ने इस तरह सलूक किया, इस तरह किया, इस तरह। तो अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है। अगर कोई औलाद होती, मसलन बेटे थे आपके, चार बेटे अल्लाह करीम ने अता फरमाए थे, इब्राहिम, ताहिर, तैयब, कासिम, और इसी तरह चार बेटे अल्लाह करीम ने आपको अता फरमाए थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसमें क्या राज था, मालिक बेहतर जानने वाले हैं। देखें कि मुमकिन है कि अल्लाह करीम को ये बात नापसंद गुजरे के अगर मुस्तकबिल में कोई बात अगर हो जाए तो मेरे नबी को इनका ताना ना दिया जाए, मुमकिन है इस वजह से भी। बाहर कब इसमें क्या हिकमत, क्या राज, मालिक बेहतर जानता है। तो इसलिए फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं। ये तो एक कुरान का फैसला, वो ज़ैद बिन हारिस की वजह से ये आयत करीमा नाज़िल हुई। अब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक है, एक खानदानी ताल्लुक है, खानदानी ताल्लुक आपका हजरत अब्दुल्लाह जो कि आपके बाप थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, हजरत अबू तालिब जो आपके चचा थे, हजरत अली रदी अल्लाह तआला जो आपके चचाजाद भाई थे, ये एक खूनी रिश्ता, एक ताल्लुक किसका, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये खूनी ताल्लुक जो होता है ये हसब और नसब और अबाओ अजदाद से ताल्लुक रखता है। अब अगर एक हस्ती है उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी से खून की वजह से है, और हसबो नसब की वजह से, अबाओ अजदाद की वजह से, तो उस ताल्लुक को कैसे तोड़ा जा सकता है, उस ताल्लुक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वो तो ताल्लुक अल्लाह करीम ने बनाया है। और फिर इसी तरह आज 1400 साल बाद पैदा होने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फतवा देने वाले या इस तरह करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद पाक बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला से आगे हसन हुसैन हमें हसन ऐन करीम ऐन रिजवान अलैहिम अजमईन दुनिया के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए, तो उसके अलावा किसी का हसब और नसब और अबाओ अजदाद के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदान ये रिश्ता जो है वो मानते नहीं है, जिसका तल्लक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब के लिहाज से है, नसब के लिहाज से, अबाओ अजदाद के लिहाज से है, ये खूनी रिश्ता है, उसको कोई बंदा ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो बनाया है। और जब अल्लाह ताला ने वो खूनी रिश्ता पैदा किया है तो आज 14 साल बाद पैदा होने वाला बंदा उसको कैसे ख़त्म कर सकता। इसलिए यह हदीस पाक जो आपके सामने, इसके ऊपर नचीज़ ने थोड़ा सा अल्फाज तरतीब दिए हैं कि इंसान का खूनी रिश्ता उसके अबाओ अजदाद से आगे चलता है, जिसका इनकार हकीकत से इनकार करना है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने मुझे तमाम लिहाज से अफजल पैदा फरमाया, और ये हदीस पाक तिर्मिज़ी शरीफ में है, अहमद व अहमद में और मिनहाजुस सवी में हदीस नंबर 555 के ऊपर ये नकल की गई। क्या है
कि मेरे सहाबा बताओ मैं कौन हूं। सहाबा ने अर्ज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे अफजल मखलूक, सबसे अफजल अरब और सबसे अफजल कबीला कुरैश और सबसे अफजल घराना बनू हाशिम में पैदा फरमाया है और हसब व नसब के लिहाज से मैं सबसे अफजल पैदा फरमाया गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको ये हदीस पाक मतन के साथ बयान फरमा दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुहम्मदिन दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ये किताब अपना मिनहाजुस्सवी किताब की हदीस नंबर 555 जो है वो इसके ऊपर बकायदा है ये। तो चूंकि ये एक इलम की बात है और अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरन 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 कसीरन। वो मारज सुनन थी ये मिनहाज सभी, इसके ऊपर मैंने बाकायदा निशान लगाया हदीस नंबर 555। कैसे हैं अनिल मुत्तलिब इब्न अबी वदा रदी अल्लाह ताला अन्हु قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا قالوا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب قال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقه ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقه ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيله ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا رواه الترمذي واحمد। और कैसे फरमाया गया हज़रत मुत्तलिब बिन अबी वदा रदी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि एक मरतबा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और वो उस वक़्त काफरों से कुछ नशायस्ता कलामात सुनकर गुस्से की हालत में थे। बस वाक़या पे मुतले होकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया मैं कौन हूँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, आप रसूलल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब इसका कोई इनकार कर सकता है क्या? हजरत अब्दुल्ला का खूनी ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है क्या? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का खूनी ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है? अल्लाह ताला जल्ला शानहु अगर इसी तरह चाहता मसलन के ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमा दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बगैर बाप के पैदा फरमा सकता था, उसके लिए कोई मुश्किल है? तमाम अंबिया के सरदार, तमाम अंबिया के सरदार मकसूदे कायनात दुनिया के ऊपर तशरीफ फरमा हुए तो अपने बाप दादा के जरिए से, दादा का खून हजरत अब्दुल्ला में, हजरत अब्दुल्ला का खून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो अब इस नस्ब का कोई इनकार कर सकते हैं? क्यों करेगा, किस लिहाज से करेगा? खूनी ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने मुझे मखलूक में सबसे अफजल मखलूक इंसानों में पैदा फरमाया है, उसमें फिर अरबो अजम में से अफजल अरब में पैदा फरमाया है,
फिर उन्हीं में से अफजल कबीलों में से कबीला कुरैश में पैदा फरमाया है, फिर उनमें से अफजल तरीन जो घराना था बनू हाशिम का घराना उसमें पैदा फरमाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना तल्लक बयान फरमा रहे हैं, अब इस तल्लक को कौन तोड़ सकता है। जुबान मुस्तफा अलैहिस्सलाम से निकली हुई चीज ज्यादा अदा हुई चीज बयान हुई चीज ज्यादा मोतबर है या आज के एक मुफ्ती की बात। और हजरत इमाम मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बेटे हैं, उस लिहाज से क्या आपका हजरत इमाम मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला का तअल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, खूनी तअल्लुक नहीं है, घराने का तअल्लुक नहीं है, कबीले का तअल्लुक नहीं है। है हजरत इमाम मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन चचा जाद भाई हजरत अली के बेटे थे। तो खानदान और कैसा होता है भाई, खूनी रिश्ता और कैसा होता है। आज यहां पे आके बंदा अपने अपने फैसले देता है, इमाम मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला को मोहम्मद बिन अली कहने के लिए भी उनकी जुबान लड़खड़ाती है। क्या है दिल में, क्या चीज है। जिस बाप का बेटा है उस बाप का नाम नहीं लेना, क्यों नहीं नाम लेना जी। और नौवीं पुश्त के ऊपर अगर किसी से कोई तल्लक है तो वो नाम लेना, इसका मतलब दिल में कदूरत है कोई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मोहम्मद है, हसनैन करीमैन का मुकाम एक ही हसनैन करीमैन है, दूसरा कोई हसन नहीं हो सकता, दूसरा कोई हुसैन नहीं हो सकता। इसी तरह बीबी फातिमा एक ही बीबी फातिमा थी, दूसरी कोई औरत बीबी फातिमा नहीं हो सकती। इस तरह मौला अली एक ही मौला अली थे, दूसरा कोई बंदा मौला अली नहीं हो सकता। तो ये खूनी रिश्ते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, बंदे के अंदर कैसे ये जुर्रत हो सकती है कि उसका इनकार करे। और इसी तरह कबीला कुरैश में आगे बनू हाशिम घराना जो है वो किसी के ऊपर ज़कात नहीं लगती, किसी के ऊपर ज़कात नहीं लगती, किसी के ऊपर सदका नहीं लगता, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूं। अब जो तो आगे औलाद में मुसलमानी के ऊपर कायम रहेगा वो तो मुसलमान है, जो मुसलमान ही ना रहा तो फिर उसका तल्लक कैसे हो सकता है नबी अलैहिस्सलाम से। वो तो फिर अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए जब कश्ती पे बैठ गए सारे उनके मोतकिद और कलमा पढ़ने वाले, तो कश्ती चली तो उनका बेटा और बीवी साथ नहीं थे, तो जब दुआ की अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ए नूह अब तेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है ताल्लुक कब है, जब वो मुसलमान रहे। ताल्लुक कब है, जब वो मुसलमान होंगे, जब वो काफिर हो गए तो फिर ताल्लुक ना रहा। और काफिर बंदा कैसे होता है, इनकार करने से काफिर हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो गया, ठीक है। नहीं इनकार किया और क्या हुआ, काफर हो गया। अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीर। तो इनकार करने से काफर होता है बंदा। तो इस तरह मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सारी चीजें अपनी जगह पे बजा हैं, हसब नसब और अबाओ अजदाद से तल्लक होना, खूनी तल्लक होना। तो तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो अल्लाह ताला जल्ला शानू के कानून के पाबंद हैं। इसी तरह जिन लोगों का तल्लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है या खून से है, अबाओ अजदाद से है, हसब नसब से है, वो शरीयत मुतहरा से बाहर नहीं हो गए, वो भी उसी तरह उनके ऊपर शरीयत आयद होती है जिस तरह उस घराने से ताल्लुक ना रखने वालों के ऊपर आयद होती है। असल क्या है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला जल्ला शानु की बारगाह में वही ज्यादा इज्जत वाला है जो जितना ज्यादा परहेजगार है, गुनाहों से बचने वाला है।
और उसमें एक और बड़ी निशानी जो देखनी है वो क्या कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब है। अब अगर वो बंदा ये चाहे ये बनू हाशिम के घराने से तल्लक रखता है या नहीं रखता, ठीक है कि नहीं, बनू हाशिम के घराने से तल्लक रखने वाले आगे सादात हुए ना, वो उस घराने से तल्लक रखता है या कि नहीं रखता, वो बड़ा इबादत गुजार है या कि नहीं है, वो किसी बात का दावा करता है या कि नहीं करता, वो ये देखेगा कि मैं अल्लाह करीम का कितना फरमा बरदार हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब हूँ। और इस कुर्बत का फैसला कब होगा वो खुद जान सकता है कि जिंदगी में उसे कितनी मर्तबा अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाक अता हुआ है। हाँ, वो जिंदगी में इस बात को ये समझ सकता है और फिर वो किसी बात के ऊपर इतरा सकता है। अगर कबीला बनू हाशिम से यानी खानदान बनू हाशिम से कोई तल्लक रखने वाला बंदा है तो दूसरा अवामुन नास में से लोगों को उठा उठा के मारे, उनकी पगड़ियां उछाले, उनकी इज्जत खराब करे, तो ये वो भी उसी शरीयत मुतहरा का पाबंद है कि जिसके क़यामत तक आने वाले लोग पाबंद हैं, वो भी कुरान ज़िमुशान का पाबंद है, सुन्नत मुतहरा का पाबंद है। अगर बेअमल है तो फिर बेअमल है, अगर बाअमल है तो फिर बाअमल है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, असल बात सारी वजाहत करने की ये है कि कबीला बनू यानी कुरैश से, फिर आगे खानदान बनू हाशिम से, यानी जिस बंदे का ताल्लुक, इस मर्द का औरत का ताल्लुक इस घराने से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की ज़ाते ग्रामी से है, खूनी ताल्लुक है, हस्ब व नसब अबाव अजदाद के साथ ताल्लुक है, तो वो शरीयत मुतहरा से बाहर नहीं है, वो शरीयत मुतहरा उसकी उनका पाबंद है और कुरान ज़िमुशान का पाबंद है, उसको उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह जो लोग खानदान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में फ़र्क डालते हैं और घर के अफराद को घर से बाहर निकालते हैं, अल्लाह करीम उन्हें हदायत अता फरमाए और अपने हसब व नसब का फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली और मैं दोनों एक ही नूर से हैं। किसने फरमाया? अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली और मैं दोनों एक ही नूर से हैं, अली और मैं दोनों एक ही दरख्त की एक ही शाख के दोनों फूल हैं, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, अली का जिस्म मेरा जिस्म है। ये मैं एक हदीस नहीं, सारी मुख्तलिफ। पहली हदीस क्या है? अली और मैं दोनों एक ही नूर से हैं। दूसरी हदीस क्या है? अली और मैं दोनों एक ही दरख्त की एक ही शाख के दोनों फूल हैं। तीसरी हदीस पाक क्या है? अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। चौथी हदीस पाक है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, अली का खून मेरा खून है। जी जसदों का जसद ही, लहमों का लहम ही, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, अली का खून मेरा खून है। पांचवी हदीस क्या है? अली मेरे उसी तरह भाई हैं कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के हारून अलैहिस्सलाम भाई थे। अब मौला अली की औलाद का सैयद होने का इनकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का इनकार है और उनके हसब व नसब का इनकार है, उनके अबाओ अजदाद का इनकार है। मैं ये अर्ज करता हूं कि अल्लाह के बंदे, इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, अल्लाह ताला ने तुझे पूछना है कि हाँ भी खड़ा हो जा, मुझे बता कौन कौन सैयद है कौन कौन सैयद नहीं है। अल्लाह ताला ने तो ये पूछना है, तो दुनिया के ऊपर गया था, हाँ क्या काम किया क्या नहीं किया, जो तुम्हारे जिम्मे काम लगे थे वो किए, हिसाब किताब किसका? क्या इस तरह भी होगा कि एक बंदा है उसका नाम है माल जनाब, जब खुलेगा तो उसमें भाई अब दूसरे का भी साथ ही, इसके खोलो भी हमें, तू जवाब दे, इसके जवाब तो अपना अपना देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जिस बंदे का खूनी ताल्लक, हसब व नसब का ताल्लक, अबाव अजदाद का ताल्लक, एक बनू हाशिम से जो ताल्लक है, उस ताल्लक को तोड़ो ना, घर वालों को घर से ना निकालो। तुम्हें कोई
अथॉरिटी नहीं है, तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम्हें कोई जुर्रत नहीं है कि घर वालों को घर से निकालो, अपनी अपनी खैर मनाओ, अपना अपना अमल देखो क्या है, आगे जाके उसका जवाब देना है। और इसके साथ साथ हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी थी, और आगे हसनैन करीमैन मौला अली के औलाद का सिलसिला मौला अली और बीबी फातिमा से चला, और उसके साथ साथ खानदान के अफराद का ताल्लुक हस्ब व नसब से कैसे खत्म किया जा सकता है, तो फिर अलावा जी क्या है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह ताला जल्ला शानु की बरगाह में वही ज्यादा इज्जत वाला है जो जितना परहेजगार है। अब क्या नचीज ने बयान किया, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। अब अगर हजरत इब्राहिम और कासिम तैयब ताहिर ये चार बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात रहते तो उनसे भी तो फिर आगे औलाद होती ना, तो जिसकी जिस जैसे अल्लाह की मर्जी, जैसे अल्लाह ताला ने तरतीब दी है उसके मुताबिक हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फिर आगे सारा औलाद का सिलसिला। तो मेरे भाइयों, ये खानदान का जो तल्लक है, हसब व नसब का जो तल्लक है, घर का जो तल्लक है, उसको आम 1400 साल बाद पैदा होने वाला एक मौलवी, एक मुफ्ती, एक आम बंदा जिसको अपने अबाओ अजदाद का नहीं पता, वो कैसे खत्म कर सकता है। और बाज लोग माजल्ला हजरत इमाम मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला के मुतल्लिक लब कुशाई करते हैं, उन्हें मेरे ख्याल से शर्म करनी चाहिए कि मौला अली के बेटे हैं। ये मेरे पास किताब है, पढ़िए, देख मोहम्मद बिन अली क्या लिखा है। मोहम्मद बिन अली हजरत डॉक्टर हसनुद्दीन हाशमी मद्दजिल अली, जो कि मोमन लाज बड़ी मॉस्क है अमेरिका में लॉस एंजलिस में, उसके मोतमे में उन्होंने ये तरतीब दी है, और 40 के करीब अफजलियत यानी 40 चीज़ें उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अली रदी अल्लाह तआला उनकी फजीलत के मुतलक 46 चीज़ें बयान फरमाई। कहने का मकसद यह है कि अगर अबू तुफैल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अली को सैयद कह के पुकारे हैं, सहाबी रसूल आपको सैयद कह के पुकारे, और उमर बिन हसन बिन अली हजरत हसन के बेटे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला आपको सैयद कह के पुकारे, तो आज कहते हैं जी मौलवी ये कहते हैं, मौलवी के कहते हैं सहाबी रसूल से बढ़ गए हैं मौलवी, हजरत हसन रदी अल्लाह के बेटे हजरत उमर से बढ़ गए हैं मौलवी, हम हजरत मौला अली को भी सैयद मानते हैं, उनकी आगे औलाद को भी सैयद मानते हैं, इमाम मोहम्मद बिन अली को भी सैयद मानते हैं, वो तीसरे इमाम थे, तीसरे इमाम थे।